हेलो गाइस, ये देखिए आज ये खेती में आ गया हूँ। मैं खेत में ये ब्रिंजल का खेती लगा हुआ है यहाँ पे। ये क्या बोलते हैं, ऑरेंज का है और ये ब्रिंजल है। देखिए पूरा यहाँ पूरा ब्रिंजल पड़ा हुआ है। सब पूरा ब्रिंजल गाछ है, लीची का गाछ है, ये सब लीची का गाछ है और पपाया का गाछ है। आज मज़े से सब्जी बना के खाएंगे ब्रिंजल के। और ये सब खेती मैं पहली बार देख रहा हूँ नागालैंड में, और मैं विश्वास भी नहीं था कि इतना खेती हो सकता है नागालैंड में। लेकिन मैं तो देखिए वो दूर दूर तक ना देखते जाइए, वो दूर दूर तक है। और ये देखते देखते हुए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा आप, ठीक है? सब्सक्राइब करना मत भूलना आप, और लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना है। यदि अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट करके आप मुझे देते जाना, ठीक है? और ये देखिए आपके यहाँ पे पूरी ब्रिंजल है। देखो इतनी पप्पा, ये देखते जाओ कितना सारा है, सभी पेड़ में लगे हुए, सभी में, टोटली में, पूरा में। मैंने तो एक बस्ता, एक टोकरी मैंने छीन लिया, एक टोकरी बोलते हैं ना, मैं पूरी टोकरी भरता किया मैंने। वो लेके लड़के लोग ऊपर लेके चले गए, देखिए वहाँ सब बैठे हुए हैं, ये सब घर है, वो सब घर में पूरा फूल लगा हुआ है, पूरा फूल, ये देखिए। और ये हो गया लहसुन, नागा लहसुन जिसको बोलते हैं, वो हो गया। ये देखिए छोटा सा पपाया पूरी पक चुका है, जिसको बोलते हैं नागा लहसुन, ये पूरा नागा लहसुन है। और मैं दिखाएंगे, वीडियो देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और जैसे दिखाते रहेंगे हम आपको थोड़ी देर ब्रेक में। हेलो गाइस, आज हम आपको दिखा रहे हैं जिसको बोलते हैं किंग चिली, राजा मर्चा है, जिस नागालैंड में ही पाया जाता है इसको। ये देखिए पूरा उसी का बीजन लगा हुआ है यहाँ पे, ये सब उसी का बीजन लगा हुआ है। ये छोटा सा देखिए, छोटा सा भी है, छोटा से पूरा निकल रहा है भी, देखो ये सब उसी का है। किंग चिली जिसको बोलते हैं, किंग चिली बोलते हैं जिसको, बहुत तीखा होता है, और जिसमें जास्ती पानी पड़ता है ना वो और तीखा होता है, और जिसमें कमती थोड़ा पानी पड़ता है वो थोड़ा कमती हो जाता है, लेकिन जो बीच में पानी होता है वो तो बहुत तीखा होता है। देखते जाइए, ये भैया उठा करके हम लोग को सब देंगे। आज हम भी दो तीन पेड़ लेके जाएंगे आज। भैया इसका कितना दिन हो गया लगाया हुआ? हाँ हाँ 20 दिन, 20 दिन में इतना बड़ा हो गया ये? एक महीना बीजन में लगता है, और इतना बड़ा होने के लिए 20 दिन? अच्छा 20 डेज मतलब बड़ा होने के लगता है। देखिए आप लोग भी रचा मर्चा का खेती में। और ये हो गया भैया, एक क्या जगह पेड़ है मौसमी का ना, पूरा हाँ। अच्छा तजपत्ता भी है क्या इसमें? तजपत्ता भी ये वाला है ना? अच्छा अच्छा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ और आगे चल के। ये वो पीछे देख रहे हैं, वो तामुल की पूरी पेड़ है, तामुल जिसको बोलते हैं सुपारी कसैली। वो जब पक के बाहर निकलेगा तो कसैली हो जाएगा, और कच्चा में रहेगा तो इसको तामुल बोलते हैं। ये सब हो गया मौसमी का पेड़ जिसको बोलते हैं ऑरेंज, वो हो गया लीची। पूरा हम अपने ये बागान की, खेत की, नागालैंड में नागालैंड की खेती को शेयर करा रहे हैं। देखते जाइए पूरी, ये सारी लीची है, पूरी लीची है, सब ऐसे पूरे लीची है, ठीक है? यहाँ पे देख, पता नहीं कैसे लोग लीची का लगाते हैं, सब छोटी छोटी पेड़, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में हो गया मुजफ्फरपुर में, जिसका फेमस है मुजफ्फरपुर का लीची, मैं उसके बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पे इतना छोटा छोटा नहीं लगाया जाता है, वो बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पे पता नहीं ये लोग कैसे लगाए हुए हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम इन लोगों को आइडिया दूंगा कि मुजफ्फरपुर से लेके आए लीची, और लगाए लगा के भी देखें कैसे होता है। ये सब देखिए, ये सब पूरी में लीची है। और ये देखते जाइए, मैं थोड़ी देर में आपको अनारस की खेती, पाइन एप्पल जिसको बोलते हैं, उसकी मैं खेती और दिखाऊंगा, वो कैसा निकलता है वो भी दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में आपको, ठीक है? और मेरा वीडियो देखना मत भूलिएगा, और देखते जाइएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। यदि स्किप कर दिए तो फिर मज़ा नहीं आएगा देखने में आपको भी। और चैनल को, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट तो भर भर के कीजिए फिर भी,
जितना मर्जी हो जाए उतना कमेंट आप देते रहिए मुझे। तो और मुझे मेरा वीडियो ऐसे अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, तो हम मुझे भी और अच्छा लगेगा, हम भी आगे चलकर और वीडियो बनाते रहेंगे। चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हम सरप्राइज आपको देना चाहते हैं, ये देखिए एक क्या चीज़ की पता नहीं, कौन सी मुर्गी है ना मुर्गा है मुझे भी पता नहीं, लेकिन बहुत डेंजर है, मुझे खुद को डर लग रहा है कहीं आके चोंच मार दे मुझे ना तो फिर मेरी कहानी खत्म यहाँ पे। इसकी देखो चोंच कैसी लटक पड़ी है पूरी, मुझे तो डर लग रहा है इसको देख के।